हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर में, फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती किस तरह की जाती थी, जैसे कि हमने पिछले वीडियो तक आपको बता चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है कोई भी सर्विस को का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो सब हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में किस तरह खेती की जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पालमपुर में बहुत ही कठिनाई में खेती की जाती थी। तो क्या कठिनाई थी वहाँ पर? तो देखिए, खेती करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है लैंड। अगर आपके पास लैंड नहीं रहेगा तो आप खेती कर ही नहीं सकेंगे। तो क्या थी पालमपुर में? लिमिटेशन ऑफ द लैंड एज ए रिसोर्सेज, लैंड इज फिक्स्ड। जो लैंड थे वो फिक्स्ड है, उनकी कमी थी वहाँ के रिसोर्सेज के अनुसार। वहाँ पर लैंड की ना उतनी कमी थी जितने कि वहाँ पर रिसोर्सेज चाहिए होते थे, उसके मुकाबले लैंड की कमी थी। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग 75%। पालमपुर में लगभग 75% लोग प्रोडक्शन करते थे, खेती करते थे। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा लोग खेती करेंगे तो ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी। तो ये कारण था कि जो खेत जो ज़मीन थी, लैंड्स वगैरह थी, वो लिमिट थी। लोगों को एक लिमिट में ही लैंड्स मिली हुई थी। कॉन्स्ट्रेन ओवर द प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता था उस पर भी वो भी एक निश्चित ही होता था, क्योंकि जो एरिया थे वो लैंड थे, जो लैंड्स थे वो बिल्कुल ही कवर हो चुके थे और लैंड लिमिट भी थे और कल्टिवेट भी हो चुके थे। तो इस तरह से लैंड जो फिक्स्ड है, जिसकी वजह से और दूसरे तरह के प्रोडक्शन करना मुमकिन नहीं था। जबकि अगर लैंड ही नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन दूसरे तरह के कैसे हो पाएंगे। इसकी वजह से ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। उसके बाद जितने लोगों के रहने से जितने भी लैंड बचते थे उसे कल्टिवेट किया जाता था और उस पर फसल बोए जाते थे। तो रैनी सीजन्स में खरीफ फसल को ग्रो किया जाता था। आप 8th क्लास में 7th क्लास में पिछले क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि तीन तरह के फसल्स होते हैं लोगों को माना जाता है। एक होता है खरीफ, एक होता है रवि और एक होता है जैद। मैं आप यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जैद होता है। तो तीन तरह के फसल माने जाते हैं, एक होता है खरीफ, एक होता है रवि और एक होता है जैद। तो देखिए, जो रेनी सीजन्स होते थे उनमें खरीफ फसल के ग्रो किया जाते थे और क्या बोए जाते थे? ज्वार, बाजरा, राइस, ये सब रेनी सीजन में बोए जाते थे, क्योंकि राइस के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से रेनी सीजन में वो फुलफिल हो जाता है। और अक्टूबर दिसंबर में जो ठंड का जो स्टार्टिंग समय होता है, उसमें पोटैटो उगाया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पोटैटो ग्रो किया जाता था। विंटर सीजन में रबी फसल को बोया जाता था और वीट उगाया जाता था। वीट को आपको पता ही होगा, गेहूँ वीट उगाया जाता था विंटर सीजन में, रबी फसल किया जाता था। और साल में एक बार जरूर लोग शुगर कैन को जरूर बोते थे अपने खेतों पर, मतलब कि हर साल जरूर लोग शुगर कैन बोते थे। शुगर कैन किस लिए बोते थे? जैगरी के लिए। आपको जैसे पता ही होगा कि शुगर कैन से शुगर और जैगरी का प्रोडक्शन होता है, तो लोग वहाँ के लोग जैगरी का भी प्रोडक्शन करते थे और हर साल लगभग वहाँ के लोग शुगर कैन ग्रो करते थे। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यहाँ पर कहने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या ऐसा कोई रास्ता है कि एक ही लैंड पर एक से अधिक फसल को ग्रो किया जा सकता है? तो ये बिल्कुल ही मुमकिन है और इनको हम मुमकिन कर सकते हैं दो तरह की क्रॉपिंग से। पहला तो है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग आपको पहले मैं बता देता हूँ मल्टीपल क्रॉपिंग होता क्या है। मल्टीपल क्रॉपिंग फर्दर हेल्प इन इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। मल्टीपल क्रॉपिंग हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग का अगर कोई पूछे कि क्या होता है, तो आप डिफिनेशन की तरह भी इसे बोल सकते हैं कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि एक ही साल में एक लैंड पर एक से अधिक तरह के फसलों को उगाना ही मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऊपर ही बताया कि रेनी सीजन्स में लोग ज्वार, बाजरा, राइस वगैरह उगाते थे और अक्टूबर में पोटैटो, विंटर सीजन में रबी वीट उगाते थे और शुगर कैन भी उगाते थे। तो ये एक मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। कैसे? क्योंकि एक ही साल में
एक लिमिट रख के, महीनों का लिमिट रख के कई तरह के फसल को उगा रहे हैं। तो ये हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। अब एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग थोड़ा सा इसका इससे डिफरेंट है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक सेम समय पर, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि महीनों का लिमिटेशन रखा गया था कि रैनी सीजन में ज्वार बाजरा उगेगा, अक्टूबर से दिसंबर में पोटैटो उगेगा, पर मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही बार दो से एक एक फील्ड में एक ही बार दो एक से अधिक फसलों को उगाया जाएगा। जैसे कि ज्वार बाजरा, यहाँ पर देखिए ज्वार बाजरा है, तो अगर मान लीजिए एक ये फील्ड है पूरा, तो यहाँ पर इसे आधा डिवाइड कर देंगे, इधर ज्वार डाल देंगे और इधर बाजरा की खेती कर लेंगे, तो एक ही टाइम पर। इसके लिए इन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, टाइम नहीं बदलना पड़ेगा, मतलब कि कुछ महीने के बाद बाजरा को उगाएं, फिर कुछ महीने बाद ज्वार को। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही बार दोनों को उगाया जा रहा है। और मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता था कि एक साल का टाइम पीरियड रखकर उसमें लिमिटेशन रखकर उगाया जाता था। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या अंतर है। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि एक लैंड पर एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है एक साल के अंदर, और यहाँ पर एक ही टाइम पीरियड पर एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है। अब देखिए इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रो। अब देखिए इरिगेशन आपको पहले बता देता हूँ इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन होता है सिंचाई करना, उसे पानी देना, तो उसे ही हम इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रो। इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी से मोर और भी ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। तो वो देखिए कैसे होगा, तो देखिए इन द रबी एंड जैद सीजन्स आल्सो। देखिए जो रबी और जैद सीजन्स होते हैं उनमें देखिए वो बरसात के समय नहीं होते हैं, तो उस समय अगर हम सही टाइम पर इरिगेट नहीं करेंगे, फसलों को पानी नहीं करेंगे, सिंचाई नहीं देंगे, तो वो फसल उतने अच्छे नहीं होंगे जितने अगर हम उस पर ध्यान देंगे शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, और उस पर हम इरिगेशन करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता था इरिगेशन, देखिए खरीफ सीजन जो है, खरीफ फसल जो है राइस वगैरह ये सब तो रेनी सीजन में बोया जाता है, तो इसमें उतना पानी का कमी नहीं पड़ता है, और पड़ भी जाता है तो थोड़ा लोग उसे उसमें भी चला देते हैं, पानी को सिंचाई कर देते हैं। पर जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन और जो समर सीजन होता है उसमें उतना बरसात नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें इरिगेशन करना पड़ता ही है। तो देखिए रबी और जैद सीजन में ये जो होते हैं वो ठंड के मौसम और गर्मी के सीजन में होते हैं, तो इसमें वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनल से पानी को लाया जाता है और खेतों को इरिगेट किया जाता है। वेल आपको जैसे पता ही होगा कुआँ, ट्यूबवेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्यूबवेल से चलाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी का क्यों इंपॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए, इंपॉर्टेंट क्यों है इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए वही बता रहा है, व्हेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रिफाइड फार्मिंग इन पालमपुर गॉट बूस्ट बाय यूजिंग ऑफ मोटर। देखिए पहले क्या होता था, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पालमपुर में, पालमपुर की बात हो रही है, पालमपुर में जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब तक वो कुओं से निकालकर, पॉन्ड से इन सब जगहों से पानी को लाकर वहाँ पर फसलों को इरिगेट करते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आ गए तो मोटर्स आ गए, और मोटर्स की वजह से ट्यूबवेल्स चलने लगे। तो वही बात हो रहा है कि जो उन्हें लोग इतना, मतलब कि उनकी जो इरिगेशन करने की फैसिलिटी थी वो और भी इलेक्ट्रिफाइड हो गई। व्हेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रिफाइड, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इरिगेशन होने लगा, तो जो पालमपुर है उनमें मोटर्स आ गए और जो इरिगेशन होने लगा वो और भी अच्छी तरह से होने लगा। अब देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इस समय मॉडर्न के किस तरह से किया जाता है फार्मिंग, मतलब कि नए जमाने में मॉडर्न समय में फार्मिंग किस तरह किया जाता है। यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड, मतलब कि इस समय क्या हो रहा है, लोग एक ही लैंड से अलग अलग तरह के मॉडर्न मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जो प्रोडक्शन है और भी इंक्रीज हो जाता है एक ही लैंड पर। अब देखिए क्या क्या यूज करते हैं, अब लोग यूज़ करते हैं HYC सीड्स, HYC का
फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई यील्ड वैरायटी मतलब अच्छे क्वालिटी के सीड्स को लाते हैं और उसी डालते हैं। पहले क्या होता था, उतने उतने लोग इतने समझदार नहीं थे और इतना 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 समझ कह सकते हैं कि हमारा साइंस भी इतना विकसित नहीं था। तो पहले जो लोग थे वो लोग अपने घर से ही अनाजों को ले जाकर बोते थे, पर अब क्या हो गया है कि हाई यील्ड वैरायटी अब सीड आ गई हैं, वैरायटी की सीड्स आने लगी हैं, जिससे कि जो फसल्स हैं वो और भी जल्दी ग्रो करते हैं। मॉडर्न मशीनरी जैसे ट्रैक्टर थ्रेसर, पहले के ज़माने में थ्रेसर वगैरह नहीं थे, पहले लोग बैलों से ही खेत को जोता करते थे, पर इसमें अब ट्रैक्टर आ गए हैं, थ्रेसर्स आ गए हैं। तो इन सब की वजह से जो जो मत कह सकते हैं कि जो फार्मिंग है और भी इजी हो गई है, और भी इन सब की मदद से और भी वो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो यही था आज का वीडियो, अगले वीडियो में हम देखेंगे द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।